नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शादीशुदा बेटियों को भी अनुकंपा नौकरी, प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश। कोरोना संक्रमित शिक्षकों पर चिंतित शिक्षा विभाग, स्कूलों के लिए जारी की नई एडवाइजरी। टीजीटी आर्ट्स की 13 और एलटी की 20 दिसंबर को होगी परीक्षा। एचपीएसएससी ने 38 और पोस्ट कोड की लिखित छंटनी परीक्षा का शेड्यूल भी किया जारी। शिक्षा मंत्री पत्नी सहित पॉजिटिव, कैबिनेट बैठक में भी हुए थे शामिल। सभी फोर लेन परियोजनाओं को तय समय अवधि में पूरा करें, सीएम ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को दिए निर्देश। केंद्र ने कोविड के बीच शिक्षा विभाग को दी बड़ी राहत, एसएसए को जारी की 167 करोड़ की पहली ग्रांट। पंचायत प्रधान पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप, 6000 की सोलर लाइट के लिए दर्शाया 25000 का बिल। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, नाकाबंदी के दौरान ट्रक से पकड़ी आधा किलो से ज्यादा की चरस। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बोराबालिया की खंडपीठ ने प्रार्थी ममता देवी की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि प्रार्थी अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने के लिए अन्य मापदंड पूरा करती है तो उसके आवेदन को मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री होने के आधार पर खारिज न किया जाए। राज्य के स्कूलों में एक साथ 2 दर्जन से अधिक टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने इसी चिंता को देखते हुए एक एडवाइजरी और एक एसओपी नए सिरे से स्कूलों के लिए जारी की है। इसमें फ्लू होने पर शिक्षकों को आइसोलेट होना होगा, साथ ही स्कूल प्रिंसिपलों को माइक्रो प्लान की पूरी तरह पालन करवाना होगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न पदों की लिखित छंटनी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 778, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट कोड 776, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794, टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 793 और टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 795 सहित और 38 पोस्ट कोड का लिखित छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को रोल नंबर, एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यालय दिवस को स्वयं या आयोग के कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1800180905 व टेलीफोन नंबर 01972222204 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य में स्कूल खुलने से पहले खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह धर्मपत्नी सहित पॉजिटिव हो गए हैं। उनका पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव आया है। उन्होंने शिमला से बुधवार शाम कुल्लू वापसी के बाद अपना टेस्ट करवाया, जो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसकी सूचना खुद मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी है। वे अपनी पत्नी सहित अब घर पर ही आइसोलेट हुए हैं। वे न केवल दशहरे के शुभारंभ बल्कि 27 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की सुविधा के लिए उच्च मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाना सुनिश्चित करें। वह वीरवार को लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सभी फोर लेन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को बेहतर संपर्क प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि परवाणु सोलन फोर लेन परियोजना को आगामी वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए, जबकि कीरतपुर नैरचौक फोर लेन सड़क को 31 मई और टकोली कुल्लू को आगामी वर्ष 31 सितंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी वर्ष के अंत तक कालका शिमला फोर लेन परियोजना के अंतर्गत सोलन कैथली घाट के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2020 तक बालूगंज ब्रह्मपुखर घागस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को नैरचौक से कुल्लू तक पैच वर्क करने के निर्देश
निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर पठानकोट बद्दी नालागढ़ और पिंजौर नालागढ़ सड़क के उन्नयन कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जिन परियोजनाओं का 3D कार्य पूरा हो चुका है उनका 3G सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने मनाली में व्यास नदी पर पुल के निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की, जिससे पर्यटकों व स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्कूलों में अब कोविड के बीच शैक्षणिक सत्र के लिए जरूरी सामान की खरीद और वेतन आदि का भुगतान करने में शिक्षा विभाग को दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा विभाग को 167 करोड़ की पहली ग्रांट जारी कर दी है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव ने अब तक स्कूलों में खर्च की गई ग्रांट का पूरा ब्यौरा रखा था। इसमें कोरोना के बीच आर्थिक संकट के चलते ग्रांट जारी करने की डिमांड भी रखी गई थी और हिमाचल के लिए पहली ग्रांट केंद्र की ओर से जारी कर दी गई है। हिमाचल ने कहा था कि पिछली ग्रांट के अलावा जो अतिरिक्त ग्रांट केंद्र ने दी है उसे खर्च किया जा चुका है। इसके बाद केंद्र ने हिमाचल को वार्षिक ग्रांट की पहली किश्त जारी की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस साल हिमाचल को केंद्र से 859 करोड़ का बजट मिलना प्रस्तावित है। प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक तक 5 से 20 हजार रुपए खेल गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार से मिली ग्रांट का ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर भी खर्च होगा। समग्र शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशीष कोहली ने बताया कि केंद्र ने समग्र शिक्षा विभाग के लिए 167 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। जल्द ही यह बजट स्कूलों को दे दिया जाएगा, इससे कोविड में आर्थिक संकट दूर होगा। विकास खंड फतेहपुर की ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने का खुलासा हुआ है। पंचायत निवासी संजय कुमार ने सूचना के अधिकार तहत जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। संजय कुमार के मुताबिक पंचायत ने सोलर लाइट लगाई थी जो गाजियाबाद कंपनी की बताई जा रही थी, लेकिन जब उसकी बिलिंग की RTI मांगी गई तो सोलर लाइट चंडीगढ़ की पाई गई। इतना ही नहीं, सोलर लाइट की कीमत 6000 रुपए है जबकि बिलों पर उसकी कीमत 24,990 रुपए दर्शाई गई है। संजय कुमार ने कहा कि जांच अधिकारी ने माना था कि पंचायत में सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन उसका अभी तक हमें लिखित में कोई जवाब नहीं मिला। संजय कुमार ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के कार्यों के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। संजय कुमार ने कहा कि अगर विभाग द्वारा प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विकास खंड फतेहपुर में सांकेतिक धरना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिला तो भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार, प्रशासन व विभाग की होगी। उधर इस बारे में जब पंचायत प्रधान परमजीत कौर से पूछा गया तो उन्होंने समस्त आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह हर किसी जांच करवाने से सहमत हैं। इस बारे में BDO फतेहपुर राजकुमार ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है तथा जल्द ही रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। उन्होंने मेरे को जवाब दिया जिस टाइम, तो हमने इनकारी डाल दी। इनकारी डाली सर जिस टाइम इनकारी हो रही थी, मैं इनसे हमने कोटेशन मांगी तो गाजियाबाद की कोटेशन दिखाई, चंडीगढ़ की बिलिंग दिखाई, तो हमने ये पूछा इनसे कि इसकी बिलिंग क्या है, इन्होंने नहीं बताई। ना तो हमने ये पूछा कि इसका कोई पत्राचार किया, फिर गाजियाबाद से चंडीगढ़ वालों को कैसे पता चला कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सिद्धपुर पंचायत भी है, वहाँ सोलर लाइट लगनी है। तो ना तो इन्होंने पत्राचार किया, ना कुछ, ना इनका, यानी कि जो भी हमने पूछा इनके पास कोई सही स्ट्रांग जवाब नहीं था। हमारे पास इसकी कोटेशन थी, हमने इनसे पूछा कि इसकी सही रेट बताओ, सही रेट क्या है, तो इन्होंने कोई भी जवाब हमें यानी कि पूरे तरीके से नहीं दिया। इसके बाद यानी कि उनकारी के बाद हमने ऑफिस, मीडिया ऑफिस गए, वहां भी पता किया, उन्होंने कहा कि दूसरी बार उनकारियों ने, सर हमने उसमें भी कोई ज्यादा ही नहीं, दूसरी बार भी 13 अक्टूबर को उनकारी हुई 1 महीने के बाद, उसमें भी वही सवाल जवाब हुए, बल्कि इनका कोई भी स्ट्रांग जवाब उत्तर सही नहीं मिला हमें। और आज दिन तक इसकी हमें रिपोर्ट कॉपी नहीं मिली। क्यों डिले किया जा रहा है,
कारण। बरमाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पंजोग के पास एक व्यक्ति से नाकाबंदी के दौरान 585 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार बरमाना पुलिस दल के जवानों ने पंजोग के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस दल ने एक पुराने ट्रक से आधा किलो से ज्यादा चरस बरामद की। आरोपी ने ट्रक में चरस को छिपाकर रखा हुआ था। रिपीट, आरोपी ने ट्रक में चरस को छिपाकर रखा हुआ था। आरोपी की पहचान नीमचंद निवासी डोली के तौर पर हुई है। एसपी दिवाकर शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।